बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर में विपक्ष को रावण बना दिया, जबकि पीएम मोदी को राम, अमित शाह को हनुमान और सीएम योगी आदित्यनाथ को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर पर लिखा गया है कि इस्लामिक नए साल की मुबारकबाद, दशहरा और दीपावली की हार्दिक बधाई, योगी और मोदी देश के भ्रष्टाचारी रावण का वध करेंगे। धारा 144 लागू होने के बाद भी गोरखपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल चौराहे पर यह पोस्टर लगाया है। दूसरी तरफ विपक्ष के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया। इस पोस्टर के जारी होने की सूचना मिलते ही कांग्रेस नेता अनवर हुसैन मौके पर पहुंचे, पोस्टर पर कार्रवाई की मांग की। ऐसे में इस पोस्टर को लेकर आगे किस तरह का बखेड़ा खड़ा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसी तरह का कुछ पोस्टर जारी किया था और विवाद उस दौरान भी हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मिशन 2019 फतेह करने को लेकर के आज टाउन हॉल पर पोस्टर जारी किया है। विपक्षी रावण रूपी पार्टियों का वध करने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, लक्ष्मण और राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी 2019 में आएंगे और सभी रावण रूपी विपक्षी पार्टियों का संहार करेंगे। देखिए, अगर विपक्षी दल आंदोलन करता है तो पुलिस आती है और कहती है कि धारा 144 लागू हुआ है, लेकिन यही जो बीजेपी के लोगों के ऊपर यही नियम नहीं लागू होता है। पुलिस के इशारे पे जिला प्रशासन और पूरा शासन के इशारे पे ये साजिश को अंजाम दिया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि अगर ये पोस्टर नहीं हटाया गया अभी तत्काल प्रभाव से माहौल बिगड़ेगा गोरखपुर में और उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी।